हेलो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कैसी से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे काफ़ी ज़्यादा लोगों की सेम प्रॉब्लम आई थी, और प्रॉब्लम थी प्रोफाइल से रिलेटेड। मैं पहले आपको कमेंट दिखा देता हूँ अपने पहले, अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इसमें देख सकते हो। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का एक ही चीज़ है कि यहाँ पर 95% प्रोसेस कम्प्लीट होती है, लेकिन 100% प्रोसेस कम्प्लीट नहीं होती है, बल्कि हमने सारी चीज़ें करके रखा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें यहाँ पर इसका रिप्लाई यहाँ पर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी ऐप हैं इसी तरह की, यहाँ पे जैसे अर्ली सैलरी हो गई, फ्लैक्स सैलरी हो गई, मतलब जितनी भी सैलरीड वाली लोन है, जैसे पेशेंस हो गया। तो यहाँ पे कुछ कॉमन प्रॉब्लम आती हैं लोगों को, तो यहाँ पे जिसमें से सबसे पहले मैं कैसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों बेसिकली जो कैसी है वो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी देती है, जिसमें से देख सकते हो 56,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट से हो रही है यहाँ पे मेरे को। और यहाँ पे ये लोन भी देती है कैसी, जो है वो दोस्तों आप देख सकते हो टेन्योर वाइज लोन देती है, कि अगर आप 90 डेज़ का लोन ले सकते हो, 180 डेज़ का ले सकते हो, 270 डेज़ का लोन ले सकते हो, और यहाँ पे होम लोन भी ले सकते हो, और डायरेक्टली आप कैसी के थ्रू शॉप भी कर सकते हो। तो ये तो बात की बात है दोस्तों, वो बाद में कभी मैं फिर डिस्कस करूँगा, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों को वो क्या आ रही है, मैं आपको पहले तो वो बता देता हूँ। मैं आपको पहले प्रोफाइल अपनी दिखा देता हूँ, मेरी प्रोफाइल यहाँ पर कितनी कम्प्लीट है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है लगभग लगभग 100% कम्प्लीट है, जो कि मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब यहाँ पे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है वो ये आती है ऑफिशियल मेल आईडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप डालोगे, तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयमेंट डिटेल ऐसे ही डाला है एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाला है, जिसमें से आप देख सकते हो मैंने जो अपनी ऑफिशियल मेल आईडी ली है वो info@indiabanegadigital.com। अब लोग बहुत सारे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वो अपनी जीमेल की यहाँ पे ऑफिशियल मेल आईडी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी आईडी डालनी है, मेल आईडी खासकर जो कि यूनिक हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है @.com वाली डाली है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, या तो किसी के पास डोमेन हो तो उसकी हेल्प ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास डोमेन है, मेरा खुद का डोमेन है, तो यहाँ पे मैंने आईडी बना दी है, इससे मैंने वेरीफाई करा था, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मेरे को यहाँ पे मेरे होस्टिंगर पे मेरे पास डोमेन है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ यहाँ पे अपने इसको चलाने के लिए। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसी के बारे में, कि कैसी का मैंने वेरीफिकेशन किया था, मैं आपको ओपन दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो, ये देखो कैसी का जो मेल आया है मेरे को इसमें आया है। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जो कैसी के में जो मेल आईडी डालते हैं, जो कंपनी और मेल आईडी पूछता है, इसमें आपको कंपनी का डालना है, ना कि अपना जीमेल आईडी डालना है, ठीक है। या फिर आपका कोई फ्रेंड है उसकी आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है, दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी है कि आपका जो वेरीफिकेशन होगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये चीज़ तो कर ली थी दोस्तों, लेकिन ये मेरा यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका था। क्यों हुआ था, इसके पीछे की वजह क्या थी, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जितनी भी सैलरीड लोन ऐप्स हैं, जो आपको सैलरी की बेसिस पे लोन देती हैं, वो आपका नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल के थ्रू आपकी सैलरी वेरीफाइड करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि आपके जिस बैंक अकाउंट में पैसा आता है, उसके नेट बैंकिंग से आपको इसमें लॉगिन करना होता है इनके ऐप्स में। इसके बाद वो क्रॉस चेक करते हैं कि उस बैंक मतलब आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आ भी रही है या नहीं आ रही, या फिर आपने फेक चीज़ें करी हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी सैलरीड ऐप पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो अर्ली सैलरी क्यों ना हो, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ और ऐप्स के। तो दोस्तों जितनी भी सैलरीड ऐप्स आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्ली सैलरी ऐप हो गई, तो ये भी इसी तरह इनका वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है। और भी ऐप है दोस्तों, अगर आप सैलरीड नहीं हो फिर भी अगर आप सैलरीड लोन ऐप पर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मतलब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ पॉइंट सिविल कम हो जाएगा अगर इंक्वायरी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे शो होने लगेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यहाँ पे वो लोन ऐप सैलरीड है या नहीं है, सैलरीड के लिए है या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। अदरवाइज आप गलती कर जाओगे और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऐसे अप्लाई करते रहोगे और आपका लोन रिजेक्ट होता रहेगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप कोई भी लोन ऐप सर्च करें तो यहाँ पे पहले इसके अबाउट सेक्शन में देख लें कि वो सैलरीड है या नहीं है, क्योंकि इनका जो वेरिफिकेशन होता है वो नेट बैंकिंग के थ्रू होता है और ऑफिशियल कंपनी मेल आईडी के थ्रू यहाँ पे होता है। और हालांकि यहाँ पे कोई ज़्यादा कोलेटरल के लिए नहीं लगता, और अगर आपका सिविल थोड़ा कम भी है तब भी आपको लोन मिल जाता है, बाकी ये लोन सेफ़ रहता है, आपकी सैलरी से ऑटोमेटिक डेबिट होता रहता है पैसा जो भी है ईएमआई का है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लोन की ज़रूरत है सेल्फ एम्प्लॉयड ऐप से,
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है आपको ऐप का, जिसके थ्रू आप 50,000 तक का लोन घर बैठे ले सकते हो और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी हो तभी लेना, और सारे टर्म एंड कंडीशंस देख के ही यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई करना। मिलते हैं।